हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि सर जैसे कि JCET ने अभी पॉलिटेक्निक का BTEC लैटरल एंट्री का एडमिशन को लेके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उसका एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह सब कुछ हो चुका है, बट अभी तक BTEC फर्स्ट ईयर एडमिशन को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा? ठीक है, जो लोग झारखंड में एडमिशन लेना चाहते हैं BTEC कॉलेजेस में, जैसे BIT सिंदरी हुआ, GC पलामू हुआ, ठीक है, फिर आप RVS हुआ, ये सब कॉलेज, चायबासा राम का दुमका, ये सब कॉलेज में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके रिगार्डिंग अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ठीक है, सो फाइनली अभी मैं एक अपडेट देता हूँ कि JCET ने अभी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप को लेकर कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब इसका फॉर्म फिलअप होगा, सारा चीज़ अप्लाई नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है JCET का वेबसाइट में। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, जो लोग 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ रिगार्डिंग JCET द्वारा। ठीक है, तो JCET एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे BTEC, पॉलिटेक्निक, फिर आपका नर्सिंग हुआ और भी जितने भी अदर कोर्सेस है, ये सब एडमिशन को लेके JCET द्वारा जारी करवाता है, ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे ही ये लोग अभी BTEC को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि JCET जो था, ये BTEC एडमिशन को लेकर सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते थे, जैसे कि JEE मेंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते थे पहले, BTEC एडमिशंस ऑल इंडिया BTEC एडमिशन के लिए जो JEE मेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाते थे। ठीक है, अभी कुछ साल से क्या हो गया कि 3-4 साल से अभी क्या हो गया कि अभी JCET जो है अभी वो कोई भी अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते। ठीक है, अब भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं करवा रहे, तो भाई इसमें तो एडमिशन करवाने का तो प्रोसीजर क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या होता कि आप अगर आपने JEE मेंस दिया है, ठीक है, अगर आपने JEE मेंस दिया है, आपके JEE मेंस इसके स्कोर के बेसिस पे JCET जो आप लोगों के अलग से एक मेरिट लिस्ट जारी करता है, स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करता है, जिसमें पता चलता है कि आपका झारखंड का जो स्टेट मेरिट लिस्ट है आपका कितना रैंक है, आपका जनरल रैंक हो, चाहे आपका कैटेगरी रैंक हो, EWS रैंक हो, ये सब रैंक क्या है आपका JEE मेंस के स्कोर, आपके JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे है, और साथ ही साथ कितने जन ने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसी के बेसिस पे ही एक रैंक लिस्ट जारी करता है। ठीक है, तो अब से क्या होता है कि अब इसका कोई अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होता है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ मेंशन किया हुआ, कब से आप लोगों को फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब मैं लगातार और भी कंटिन्यूस वीडियोस मैं लगातार लाते रहूँगा JCET को लेके। ठीक है, और भी जो भी फॉर्म निकलेंगे, या तो अभी जैसे अभी BTEC का आया, BTEC का जो सीरीज़ है, अभी मैं और भी मैं वीडियोस लाते रहूँगा, क्योंकि मैं 2-3 साल से मैं वीडियोस लाता हूँ रिगार्डिंग BTEC को लेके, डिप्लोमा को लेके, लैटरल एंट्री को लेके, जो भी एडमिशन है, ताकि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स जो लोग अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि कैसे क्या प्रोसीजर है, तो मैं वीडियोस लाते रहूँ, तो ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अभी मैं बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं ला रहा था, बिकॉज कुछ काम के बेसिस पे मुझे ड्यूटीज़ वगैरह जाना होता है, जिस कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता रिगार्डिंग वीडियो और वीडियोस डालने के लिए जो भी वीडियोस है। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प, जो आप लोगों का जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए मैं वीडियोस डालते रहूँगा, मतलब कितनों ये रहो, मतलब टाइम मिले या ना मिले, मैं वीडियोस लाते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ मेंशन किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो लोग BTEC में एडमिशन लेना चाहते थ्रू JEE मेंस के बेसिस पे, उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया JCET की वेबसाइट में। ठीक है, ये 8 तारीख को जारी किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात कीजिए एडुकेशनल क्राइटेरिया, मतलब इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एडुकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसमें 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स, इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन क्या हो ये ध्यान में रखिए, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक बायोलॉजी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ये सब होना जरूरी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सब होना जरूरी है। बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते नहीं है, मतलब स्किप करते रहते हैं, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर बाद में आप कमेंट करोगे, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूँ
वही चीज़ बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, वो क्या रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को अगर एंड तक पूरा वीडियो देखोगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब होना ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट 45% होना ज़रूरी है। ओके, और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अगर उनका 40% मार्क्स भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है। अगर आपने डी वोकेशनल स्ट्रीम से भी अगर आपने किया है तो ये भी आप लोग एलिजिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिडेंशियल क्राइटेरिया। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर ये जो मतलब झारखंड में बीटेक में एडमिशन के लिए इसमें क्या ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स वालों के लिए ही है, और इसमें सिर्फ झारखंड के स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएगा। उनके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ का एक एड्रेस प्रूफ बनता है, एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है कि आप इस जगह से बिलोंग करते हो, आपका यहाँ का ज़मीन है, आप यहाँ पे रहते हो। ठीक है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है अच्छी बात है, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए, और ये बनता है CO या तो SDO ऑफिस में बनता है। ठीक है, और अगर आप जिनके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, मिसाल है जिनके पास बट वो पुराना है, तो बेटर रहेगा कि आप नया वाला बनवा लीजिए, क्योंकि पुराना वाला एक्सेप्ट करेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। जब काउंसलिंग वगैरह होगा ना तो उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो माइट भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आप लोग बनवा लीजिए। ठीक है, और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ कैटेगरी मतलब जो ST SC OBC वाले, ऐसा कुछ नहीं, सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें सबको बनवाना पड़ेगा जो भी अप्लाई करेंगे इस एडमिशन को लेके। ठीक है, इस काउंसलिंग को लेके। ठीक है, चाहे जनरल क्यों ना, चाहे वो ST SC OBC EWS कैटेगरी, कोई से भी कैटेगरी से आप बिलोंग क्यों ना कर रहे हो, आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना ही होगा। ठीक है, ये ज़रूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपका रिजर्वेशन ऑन कास्ट बेस, ये मेन चीज़ है। जो ST SC OBC से बिलोंग करते हैं उनके पास एक प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी नया वाला 2024 का रिसेंट होना चाहिए। ठीक है, जिनके पास नया वाला है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो आप लोग अपग्रेड करवा लीजिए, या तो आपके पास है ही नहीं तो आप बनवा लीजिए। ठीक है, अगर आप ST कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप SC कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके पास ये प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग BC1, OBC, BC1, BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके पास वो जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मेंशन किया हुआ है कि क्रीमी लेयर मतलब इसमें आपका क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, OBC वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना हो, ये सिर्फ BC1 एंड BC2 वालों के लिए। ठीक है, ST SC के लिए नहीं, जो लोग BC1 या तो BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधी मेंशन है, कैंडिडेट्स विल बी वैलिड ओनली इफ़ ही और शी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर। ठीक है, वो क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता हो। ठीक है, वो होना ज़रूरी है। ठीक है, BC1 BC2 वालों के लिए। ठीक है, ST SC के लिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद EWS, जो लोग मतलब EWS कैंडिडेट जो लोग जिनके पास मतलब बहुत ही लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो और वो लोग EWS का लाभ नहीं चाहते। EWS का मतलब ये कि अगर आपको EWS अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर आपका EWS रैंक के हिसाब से अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपका जो फीस है बहुत ही कम हो जाता है। EWS का यही मतलब है, आपका जो फीस है आधा से ज़्यादा कम हो जाता है इसमें। ठीक है, और EWS के लिए आपको एक इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है, वो भी आपका SDO या तो CO लेवल का आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप बनवा लीजिएगा जो लोग EWS का लाभ लेना चाहते हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूँ, EWS का सीट बहुत ही कम रहता है। ठीक है, अगर आपका रैंक अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, तो आपको EWS के बेसिस आपको सीट मिल सकते, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनका भी अलग से सर्टिफिकेट बनता है ना, तो अपना मेडिकल चीफ मेडिकल या तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से अपना ये बनवा लीजिएगा। ठीक है, जो लोग SMQ कोटा से, जो लोग सर्विसमैन कोटा से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग भी अपना एक डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, उन लोग का भी एक अलग रहता है। ठीक है, फिर आपका
ट्यूशन फी वेवर स्कीम, ये भी एक स्कीम है जो जो एडमिशन लेना चाहते हैं बीटेक कॉलेज में और उनका जो फीस है वो आधा से ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए और इसका लाभ लेने के लिए आपका बस इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अप टू 8 लाख वाला, ठीक है। 8 लाख जिनका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ नया जो कि 8 लाख तक है, तो वो लोग अपना ट्यूशन फी वेवर के लिए आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसका लाभ आप ले सकते हो, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है, ओके। तब मैं बता दूँ कि फॉर्म फिलअप जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला, तो फॉर्म फिलअप जो आपका 10 तारीख जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, इसका लास्ट डेट है 24 जून तक, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्म फिलअप को लेकर, इसको लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं, ताकि बहुत स्टूडेंट है मतलब फॉर्म फिलअप में गलती कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण आगे प्रॉब्लम होता है। तो मैं एक अलग से एक वीडियो लाऊंगा, जब लाइव मैं वीडियो लाऊंगा जो लाइव कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या क्या डिटेल्स मांगा जाता है, सारा चीज़ मैं आपको जब कल लिंक जारी किया जाएगा तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। और लगातार मैं वीडियोस लाते रहूंगा, कोशिश करूंगा जितना टाइम बचे उस टाइम को ये करके मैनेज करके मैं वीडियोस लाते रहूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपको कुछ एडिट वगैरह करना हो एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा 25 से लेकर 27 तक। फिर उसके बाद आप लोगों का एक स्टेटमेंट लिस्ट जारी होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके रैंक के अनुसार कितना रैंक आपकी कैटेगरी के अनुसार कितना रैंक बना है, ठीक है, जो कि आपको 2 जुलाई को जारी किया जाएगा, ठीक है, 2 जुलाई का इसका जारी किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप का जो फीस है कितना लगेगा। जनरल EWS BC1 BC2 वालों के लिए 500 रुपीज़ लगेगा, उसके बाद ST SC वालों के लिए 250 रुपीज़ लगेगा और दिव्यांग वालों के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका, और इसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो UPI के माध्यम से आप लोग ये कर सकते हो, पेमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। जो लोग बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं झारखंड स्टेट में, तो उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, 10 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और भी मैं लगातार वीडियोस लाते रहूँगा रिगार्डिंग बीटेक एडमिशन को लेके, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और भी और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर आप जो भी क्वेश्चंस करना चाहते हो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, भले मैं थोड़ा लेट हो सकता है रिप्लाई करने में, बट मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को यही पे एंड करते हैं, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।